हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? हां जी, कैसे हैं सभी लोग? यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुदीप, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू सुदीप? कशिश, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आई एम गुड बेटा, मैं भी ठीक हूँ सुदीप, अच्छा हूँ एकदम। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज जो है हिंदू नववर्ष है। नाइस हेयर स्टाइल्स आर लुकिंग कूल। ओके, थैंक यू। जी आपको भी कशिश, आपको भी बेटा। यस, तो चलिए देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 11 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, जिनमें से 9 तो स्टूडेंट हैं। अभिषेक, हिमांशु, कशिश, खुशबू, प्राची, सुदीप, सनी, स्वाति एंड नेहा से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। नमस्ते अभिषेक जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? खुशबू, गुड आफ्टरनून बेटा। महाना जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? तो पिछली क्लास में हमने चार जो थे, हैप्पी नवरात्रि टू यू अभिषेक जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कहाँ तक हो गए थे हमारे? ये हो चुके थे, हाँ ये क्वेश्चन हमने लास्ट किया था आई थिंक। इसके बाद में हम लोग 9 वाला कर चुके थे, ये भी कर लिया था हम लोगों ने। चलिए तो अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ जी, तो ये था हमारा प्रश्न जी। हाँ जी, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर जो होगा हमारे पास में क्या होगा? देखिए आपको बोला गया है 8% LMNOPQR S are sitting around a rectangular table in such a way that 2% sit on each of the four sides of the table facing the center. Persons are exactly opposite to each other. O faces north and sits exactly opposite to S. P is to the immediate left of S. L and R sit on the same side. R is exactly opposite of M. O is to the immediate right of N. L is next to the left of O. तो बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर। यस, ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को। देखिए रेक्टेंगुलर टेबल की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर टेबल की। तो जो रेक्टेंगुलर टेबल बनेगा आप लोगों का, किस तरह से बनेगा? इस तरह से। ये आप सभी का रेक्टेंगुलर टेबल है। गुड इवनिंग रागनी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस इकायताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, जिनमें से चारों भुजाओं पर दो दो व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए चारों भुजाओं पर कितने लोग बैठे हैं? दो दो लोग। दैट मीन्स दो लोग इधर बैठे हैं और ये सेंटर फेसिंग है। इसी तरह से दो लोग इधर बैठे हैं और ये दोनों भी क्या है? सेंटर फेसिंग है। यहाँ भी दो लोग बैठे हैं, ये भी क्या है? सेंटर फेसिंग है। और इधर भी आपके दो लोग बैठे हैं और ये भी क्या है? आपके सेंटर फेसिंग, ठीक है? यस, सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। हाँ जी बनाएंगे, जिसका बन जाए कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज फिर मैं समझाऊंगा। चलिए हिमांशु का हो चुका है, हिमांशु ने कर लिया। ओके, रेस्ट ऑफ यू, बाकी सभी किताब। देखते हैं और किसका हो गया। मेरा हाफ हुआ है। आना, आपका हमेशा आधा ही क्यों होता है? जब भी आप कमेंट करेंगे आप क्या बोलेंगे? सर हाफ डन। यस, नाउ सी, देखिए बनाते हैं। क्या बोला गया है? एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस इकायताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, जिनमें से चारों भुजाओं पर दो दो व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। आप देखो फर्स्ट लाइन,
ओ फेसेस नॉर्थ, तो ओ किसको फेस कर रहा है? नॉर्थ को। तो एक बार ओ को यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक है, एक बार इस साइड में बैठा लेते हैं। गुड इवनिंग नेहा झा जी, अभिषेक का भी हो चुका है। और ओ नॉर्थ को फेस कर रहा है और किसके अपोजिट में बैठा है? एस के, एस के अपोजिट में। ओ इज फेसिंग नॉर्थ एंड सिटिंग अपोजिट टू द एस। अब देखिए, पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। पी जो है एस के इमीडिएट लेफ्ट में, तो ये तो एस का राइट है और ये क्या है, एस का लेफ्ट है। तो यहाँ पे कौन बैठा है? पी बैठा है। पी जो है एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, एल एंड आर सिट ऑन द सेम साइड। एल और आर सेम साइड में बैठे हैं। आर इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एम। आर जो है एम के एग्जैक्ट अपोजिट में बैठा है। एम हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ एन। और जो एम है वो एन के किधर बैठा है? इमीडिएट राइट पर बैठा है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपको क्या बोला है कि एल और आर एक ही साइड में बैठे हैं और आर के अपोजिट में कौन बैठा है? एम बैठा है। एल और आर एक ही साइड में, अगर मैंने यहाँ पे आर को बिठा लिया, या फिर एक मिनट रुको, केसेस क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए, इधर तो मैंने किसको बिठाया? एल को। और इधर किसको बिठा लिया? आर को। इधर एल को बिठाया, इधर आर को बिठा लिया। अब क्या बोला है, आर एम के ठीक विपरीत बैठा है। आर किधर बैठ गया? एम के ठीक विपरीत, ठीक है, जो एन के तुरंत दाएं बैठा है। और जो एम है वो किधर बैठा है? एन के तुरंत दाएं। तो एन का दाया यही हो जाएगा, राइट साइड ये हो जाएगा, इधर ये बैठ गया। अब बच कौन गया हमारे पास में? एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू बच गया। क्यू को मैंने यहां रख के देखा एक बार। अब देखिए क्या बोला, एल जो है ओ के बाएं बैठा है। एल किधर बैठा है? ओ के बाएं। एल इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, लेकिन नेक्स्ट लेफ्ट में नहीं बैठा। तो यहाँ पे ये किधर बैठा है? इधर बैठा है। इसके नेक्स्ट लेफ्ट में कौन बैठा है? आर। तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? गलत है। अब देखिए यहाँ पे इसको करेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसको करेक्ट करते हैं, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन को हम रखते हैं पहले वाली को, सिर्फ पहले वाली इंफॉर्मेशन को रखते हैं। अब ये पहले वाली इंफॉर्मेशन क्या थी? ओ किधर फेस कर रहा था? नॉर्थ में। एस के अपोजिट बैठा था और एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा था? पी बैठा था। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, एल और आर एक ही साइड में बैठे थे, तो आर को यहाँ ले लिया, यहाँ किसको ले लिया? एल को। उसके बाद बोला गया आर एम के विपरीत बैठा है। आर जो है एम के विपरीत बैठा है और एम जो है किधर बैठा था? एन के राइट में। एन के राइट में एन बैठा था और इधर कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन को, एल ओ के बाएं बैठा है, तो ओ के बाएं कौन बैठा है? एल बैठा है। तो अभी अरेंजमेंट क्या हो गया हमारा? एकदम सही बन गया। अभी जो अरेंजमेंट बना है वो क्या हो गया? एकदम सही। तो ये कितने लोगों का बना है? हाँ जी, ये कितने लोगों का बना हुआ है? अभिषेक, हिमांशु, आप लोगों का यही बना? हाँ ना, ठीक है, हिमांशु का करेक्ट है। अभिषेक आपका सही है, ठीक है, आपका बना है। सुदीप का बना है, अभिषेक का भी बन चुका है। अच्छा, आपका हाफ बना था पर सही था, ओके। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस, एल के विपरीत कौन बैठा है? एल के विपरीत कौन बैठा है? हाँ जी, क्या आंसर आएगा? एल के विपरीत कौन बैठा है? आर ओ पी एल, नन ऑफ दीज। अब देखिए अभी हमने बनाया था, तो एल के विपरीत कौन बैठा था? एन बैठा था। यदि हमने यहाँ देखा, इधर आर था, इधर एल था, इधर एम था, और इधर कौन बैठा था? एन बैठा था। तो एल के विपरीत कौन बैठा था? एन, यानी कि नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ई आ जाएगा, ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि एल के विपरीत एन था, तो एन तो यहाँ ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट वन। यस यस यस, यदि घड़ी की सुई की दिशा में पी के बाद कौन बैठा है? घड़ी की सुई की दिशा में हु इज नेक्स्ट टू पी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन? हु इज नेक्स्ट टू पी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन? यस, अब देखिए पी के नेक्स्ट में कौन बैठा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? तो पी इधर था, सॉरी सॉरी सॉरी, पी इधर था आपका, एस के इमीडिएट एम बैठा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए अरेंजमेंट क्या था हमारा, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को कॉपी पेस्ट करने दो, डायग्राम देख लेते हैं एक बार। SP SP OQ, तो P के इमीडिएट राइट में, P के इमीडिएट राइट में। अरे मेरे बालक को देख तो लो अच्छे से, देखो क्या बोला है, घड़ी की सुई की दिशा में P के बाद कौन बैठा है? तो घड़ी की दिशा कौन सी होती है? यही तो होती है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
पी के बाद में कौन बैठा है, एम बैठा है, तो एम ऑप्शन बी आ जाएगा। यस, पी के बाद कौन बैठा है, एम बैठा है, यस ऑप्शन। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन से व्यक्तियों का युग्म जिन दोनों व्यक्ति की तरफ था पहले दूसरे व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जैसा हाना यू आर राइट। Which of the following pair of the person has both the person sitting on the same side with first person sitting to the right of second person? निम्न में से ऐसे कौन से दो व्यक्तियों का युग्म है जिनमें से दोनों व्यक्ति एक ही तरफ बैठे हों तथा पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा हो, दाएं। सी आ जाएगा। स्वाति का आंसर क्या आ गया, सी आ गया। अब देखिए सी में बोला गया है एन और एम, एन और एम। अब यदि यहां पे देखो डायग्राम क्या था हमारा, इधर एस था, इधर पी था, एल था, ओ था, क्यू था, इधर आर था, इधर एम था और इधर क्या था, एन था। ठीक है, अब देखो ओ क्यू, ओ क्यू, और पहला वाला जो है फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन, क्या ओ जो है क्यू के राइट में लेफ्ट में आ रहा है, ये तो गलत हो गया। एन एम, क्या जो M है, N है वो M के राइट में, ये तो लेफ्ट में आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी। क्यू एन, क्यू एन, लेकिन ये तो सेम साइड में नहीं बैठे। एल आर, अब देखो एल आर जो L है वो R के किधर बैठा है, राइट में बैठा है, तो ऑप्शन डी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी आंसर आएगा, ना तो सी आएगा ना ए आएगा, डी। हिमांशु का आंसर सही है, बस हिमांशु का आंसर सही है। देखो क्या बोला गया है, तुम लोग ऐसे ही क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो रहे हो, पिछली क्लास में भी यही गलती कर रहे थे। क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तियों का युग्म है जिसमें दोनों व्यक्ति एक ही तरफ बैठे हों, दोनों सेम साइड बैठे हों, और उसके बाद में क्या हो रहा है, पहला वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं हो। अब क्यू और एन में, एल और आर में पहला व्यक्ति कौन है, एल है, और दूसरा कौन है, आर है, तो ये इसके दाएं बैठा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम साइड वाला, यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल जो है आर के इमीडिएट राइट में बैठा है, यस। नेक्स्ट वन, पी के विपरीत कौन बैठा है, हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ पी, Who is sitting opposite to P? P के विपरीत कौन बैठा है? चलिए ये तो इजी था। चू, यस हिमांशु, चू, चू। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। P के विपरीत कौन बैठा है? C बैठा है। Who is sitting opposite of P? Q, Q बैठा है। लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? हाँ जी, इसका आंसर कीजिए। क्या आंसर आ जाएगा? L is facing north, L उत्तर की तरफ देख रहा है। P is sitting opposite to Q, P Q के विपरीत बैठा है। Q is to the left of R, Q R के left में है। N is to the left of L, N L के बाईं ओर है, और none of these, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा एकदम सही है, डेफिनेटली ट्रू कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि देखो ऊपर कौन बैठा था, इधर S बैठा था, इधर कौन बैठा था, P बैठा था, और इधर नीचे कौन बैठा था, ओ बैठा था, और इसके इमीडिएट राइट में क्यू था, तो पी और क्यू दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो पी इज सिटिंग अपोजिट टू क्यू, तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी अवर करेक्ट आंसर, यस बी इज राइट आंसर, यस आहन यू आर राइट। ओके नेक्स्ट वन, एम ओ पी आर एस यू वी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ Not necessarily in same order. कि M O P R S U और V एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। O M के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। O जो है M के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। P रेखा के बाएं छोर पर बैठा है। P और V के मध्य पांच व्यक्ति बैठे हैं। U V के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। R O का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R is not an immediate neighbor of O. Yes. तो देखो यहाँ पे इसको करने से पहले दो चीजें समझ लो। देखो ये अगर कोई लाइन है आपकी, ये अगर कोई लाइन है, लेट्स सपोज यहाँ पे पांच लोग बैठे हैं, तो ये तो क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड हो गया, और ये क्या हो गया राइट हैंड। कब? जब ये सभी लोग कहाँ पे देख रहे हैं, उत्तर दिशा में देख रहे हैं, उत्तर दिशा में, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है। अगर ये सभी साउथ में देख रहे हैं, ये सभी कहाँ देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन, ये सभी कहाँ देख रहे हैं आपके, दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, तो ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट लेफ्ट, और ये भी क्या है, राइट है और ये लेफ्ट है, तो ये सभी राइट लेफ्ट की बात कर रहे हैं हम सभी, ठीक है। तो अगर साउथ में देखेंगे तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा,
और ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन बनती है, यदि दोनों दिशाओं में देख रहे हैं, यानी कि कुछ लोग तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में देखो लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें क्या देखना है, ऊपर नीचे का देख लेना है, उत्तर और दक्षिण वाला, बाकी लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा और राइट राइट रहेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्थ फेस कर रहे हैं ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, साउथ फेस कर रहे हैं ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, यदि दोनों डायरेक्शन मिक्स में दिया हुआ है तो लेफ्ट हमेशा लेफ्ट रहेगा, राइट हमेशा राइट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, चलिए अभी बनाइए इसको, अभी बनाइए, इंफॉर्मेशन को पढ़िए और फिर बनाइए। चलिए, हिमांशु का आई थिंक हो चुका है, डन, हिमांशु का हो चुका है। बस रेस्ट ऑफ यू, सात लोग हैं, सभी कहां बैठे हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सात के सात लोग कहां बैठे हैं, डन हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग कहां बैठे हैं, उत्तर की तरफ फेस करके बैठे हैं। आप देखिए ओ एम के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ओ किधर बैठा है, एम के दाएं चौथे स्थान पर, पी रेखा के बाएं छोर पर, तो ये बायां छोर है, तो यहाँ पे कौन बैठा है, पी बैठा है, पी रेखा के बाएं छोर पर बैठा है। पी और वी के बीच में कितने लोग है, पांच लोग, 1 2 3 4 5, पांच लोग बैठे। अब देखिए ओ एम के दाएं चौथे स्थान पर है, तो एम का दाया पहला दूसरा तीसरा चौथा इधर कौन बैठा है, ओ बैठा है। फिर देखिए यू वी के बाएं तीसरे स्थान पर है, वी इधर है, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे कौन बैठा है, यू बैठा है। और बोला है आर ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यदि आर यहाँ पे नहीं बैठ रहा तो आर कहाँ बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा, और बच कौन गया है यहाँ पे आपका, एम ओ आर पी आर एस यू वी, तो बच कौन गया, एस बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एस आके बैठ जाएगा, ये आपका अरेंजमेंट बन चुका है, पी एम आर यू एस ओ वी, ये हमारा अरेंजमेंट बन चुका है। इस बार पूरा बन गया, ठीक है, वेरी गुड, तो ये हमारा करेक्ट बना एकदम। ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं, एम तथा एस के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एम तथा एस के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यह अरेंजमेंट था, एम और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, दो लोग, देखिए आर बैठा है और यू बैठा है, यही तो एम और एस के बीच में बैठे हैं, तो दो आंसर आ जाएगा, टू बी आंसर आ जाएगा। यस, नेक्स्ट वन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति रेखा के ठीक मध्य में बैठा है, तो एग्जैक्ट मिड में कौन बैठा है, हमारा यू बैठा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति रेखा के ठीक मध्य में बैठा है, यू बैठा है, एग्जैक्ट मिड में कौन बैठा है, यू बैठा है, सात लोग थे तो जो यू का नंबर है वो फोर्थ प्लेस पे, तो यू आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट वन, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर सिटिंग पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप व्हिच पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, निम्न में से चार एक निश्चित बैठक व्यवस्था के आधार पर समान है तथा एक समूह बनाते हैं, निम्न में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, एम आर यू एस पी एम ओ वी आर एस। चलिए हिमांशु का आंसर आ चुका है ई, यानी कि आर एस, बाकी सभी E, 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 सभी का आंसर हमारे पास में ई निकल के आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं, पी और वी, इधर यू बैठा है, इधर ओ बैठा था, इधर एम बैठा है, इधर आर बैठ गया था, इधर एस बैठ गया था। अब देखिए एम आर, एम और आर तो एक साथ बैठे हैं, यू एस, यू एस भी एक साथ बैठे हैं, पी एम, पी एम भी एक साथ बैठे हैं, ओ वी, ओ वी भी एक साथ है, लेकिन आर और एस जो है इनके बीच में एक का गैप आ रहा है, तो ई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, चलिए एस के संबंध में आर की स्थिति क्या है, एस के संबंध में आर की स्थिति क्या है, एस के संबंध में आर की स्थिति, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू एस, एस के संबंध में आर की स्थिति क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट। हिमांशु का आंसर आ चुका है ई, सुदीप का भी आंसर आ चुका है ई, अहाना का भी आंसर आ चुका है ई, तो बाएं से दूसरा,
ई आंसर आ जाएगा। यस, ई विल बी आवर करेक्ट आंसर। संजय कुमार का आंसर ही आ चुका है। वेरी गुड। यस ओके, नेक्स्ट वन। हाँ जी, अब देखिए अगला प्रश्न है। यदि बैठक व्यवस्था को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार रखा जाए तो व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म होंगे जिनमें आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्था में होते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसको पढ़िए, समझिए और फिर बताइए। यदि बैठक व्यवस्था को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार रखा जाए तो व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म होंगे जिनमें आगे या पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसको आगे तथा पीछे कर लो, आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्था में होते हैं। क्या आंसर आएगा? हिमांशु का आंसर आ चुका है ई, यानी कि मोर देन थ्री। संजय कुमार का भी आंसर आ चुका है ई, यानी कि मोर देन थ्री। अब देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पेयर्स की बात कर रहा है, लेटर्स के पेयर की। सबसे पहले तो इनको लेफ्ट टू राइट कैसे जमाते हैं, इंक्रीजिंग मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हैं इनको सभी को। देखो सबसे पहले एबीसीडी में क्या आता है, एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एम। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, एम। एम के बाद में आएगा ओ, फिर आएगा पी, फिर आएगा आर, फिर एस आएगा, फिर यू आएगा और फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर यू आएगा और फिर क्या आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा। इस तरह से हो गए, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा गया है कि कितनी लेटर्स के पेयर बनेंगे यहाँ पे। अब देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस, एक भी नहीं बना। अब देखो ओ से देखते हैं, ओपी ओपी बना एक पेयर, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बना, पी क्यू आर एस टी नहीं बना, आर एस एक क्या बन गया, आर एस बन गया, आर एस टी यू नहीं बना, एस टी यू नहीं बना, यू वी एक क्या बन गया हमारे पास में, यू वी बन गया, यू और वी, यू वी बन गया। अब देखिए अब पीछे से, ये तो आगे से हो गया, अब पीछे से चलेंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड पे रुक जाएंगे, अब आगे नहीं जाना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, आर एस टी यू नहीं बना, पी क्यू आर ओ पी। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, मोर देन थ्री नहीं आएगा, थ्री विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ऑप्शन डी, ना कि ई आएगा। कितने पेयर बनेंगे, तीन बनेंगे, पीछे से तो एक भी नहीं बन रहा ना। यस संजय एंड अभिषेक क्लियर हुआ, हिमांशु किसी को कोई डाउट? चलो अगले का आंसर करो। यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रमानुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कितने व्यक्तियों की स्थिति वास्तविक स्थिति के संबंध में अपवर्तित रहेगी? एक मिनट, ये क्वेश्चन तो सेम था ना, मतलब चेंज तो नहीं हुआ ना क्वेश्चन? नहीं नहीं, ये अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए, इसको बनाइए। टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर। टी वाई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है और वाई रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। डब्ल्यू एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यू जो है टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
BUVWXY आर सेटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, बच्चा प्रश्न है, इसको तो इतना टाइम मत लो। देखो छह लोग बैठे, क्या बोला गया है, T is sitting 4 to the left of Y and Y is not sitting at the extreme end of the line. यदि Y जो है extreme end of the line पे नहीं बैठा है तो Y कहाँ बैठेगा, इधर बैठेगा। Y कहाँ बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा। और T Y के बाएं चौथे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, T बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, T बैठ जाएगा। अभिषेक का भी हो गया, हिमांशु का भी हो गया। अब देखिए आगे, W is sitting third to the right of X. W किधर बैठा है, X के राइट में थर्ड प्लेस पे। अब एक बात बताओ, X को यदि यहाँ पे रखता तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ तो ऑलरेडी Y बैठा है तो W यहाँ पे बैठ नहीं सकता, W यहाँ पे बैठ नहीं सकता, तो X यहाँ पे तो नहीं बैठेगा। फिर देखिए आगे, अगर मैं बात करूं X को यहाँ पे बैठाता हूँ, 1 2 3 यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, W बैठ जाएगा। फिर क्या बोला गया है, U T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यदि U ने यहाँ नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठ जाएगा, U यहाँ पे बैठ जाएगा। और बच कौन गया, T U V, V बचा तो V यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका अरेंजमेंट बन जाएगा, ये आपका एकदम सही और सटीक अरेंजमेंट है। चलिए सुदीप का भी हो गया, संजय का भी हो गया, बाकी सभी समझ में आया सभी को? हाँ जी, बाकी सभी को समझ में आया? यस ओके, चलिए हो गया 100% परी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रमानुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कितने व्यक्तियों की स्थिति वास्तविक स्थिति के संबंध में अपवर्तित रहेगी, ऐसे कितने लोग हैं, नहीं आया। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी बेटा, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कहां समस्या आ रही है ना। देखो बेटा क्या किया, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, सबसे पहले 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पर्सन आर सिटिंग। बोला गया है y जो है पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो एक्सट्रीम एंड कौन से होंगे, एक तो ये एक्सट्रीम एंड है, एक ये एक्सट्रीम एंड है, तो इन दोनों पे कहीं पे भी y नहीं बैठा है। और साथ में दिया गया है t is sitting 4 to the left of y, t जो है y के लेफ्ट में, तो अगर मैंने y को यहाँ पे रखा तो ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है, 1 2 3 4 यहाँ पे कौन बैठ गया, t बैठ गया। ठीक है, अब बोला गया है w is sitting third to the right of x, w किधर बैठा है, x के राइट में तीसरे स्थान पर, तो अगर मैं यहाँ पे x को रखता तो इसका राइट किधर चलेगा, इधर चलेगा, पहला दूसरा तीसरा, इधर तो ऑलरेडी y बैठा है तो यहाँ पे तो x बैठेगा नहीं, इसका मतलब x का पोजीशन क्या हो जाएगा, अभी एक स्थान आगे सरका देते हैं x को, तो x को मैंने यहाँ रख दिया तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे आके कौन बैठ गया, w आके बैठ गया। अभी क्या बोला है, यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यू अगर टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे यू नहीं बैठेगा, तो यू कहाँ बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा। बच कौन गया, वी, वी यहाँ पे आके बैठ जाएगा, बस दैट्स इट, यही तो किया है हमने। अब देखिए क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, यदि बाएं से दाएं सभी की स्थिति परिवर्तित कर दें, यानी कि इनको कैसे बिठा दें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, टी आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, टी आएगा, टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, फिर वी आएगा, फिर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, फिर एक्स आएगा और फिर वाई आ जाएगा। अब कितने लोगों की स्थिति अपरिवर्तित है, केवल टी की, अकेले टी की, यही तो क्वेश्चन में बोला है ना, यही तो बोला है, यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रमानुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कितने व्यक्तियों की स्थिति वास्तविक स्थिति के संबंध में अपवर्तित रहेगी, तो केवल एक व्यक्ति, ये आंसर आ जाएगा, केवल जो है किसकी स्थिति अपवर्तित रहेगी, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, टी की। यस नेक्स्ट वन, T के संबंध में X की स्थिति क्या है, T के संबंध में X की स्थिति क्या होगी, T के संबंध में X की स्थिति क्या हो जाएगी, What is the position of X with respect to T? चलिए देखते हैं, हिमांशु का आंसर सी आ चुका है, सुदीप का भी आंसर हमारे पास में सी आ चुका है, ओके, संजय का आंसर ये आ रहा है, T के संबंध में X की स्थिति क्या है, सी, सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट, वेरी गुड, C is correct answer, second to the right. C is correct answer. Yes, Swati, आपका भी correct है. Okay, next one. V तथा Y के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? V तथा Y के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? दो आंसर आ जाएगा इसका. B, yes. V और Y के बीच में कितने लोग बैठे हैं? दो लोग बैठे हैं.
टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वी एंड वाई. ओके नेक्स्ट वन. निम्न में से कौन सा युग्म उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो रेखा के अंतिम छोर पर बैठे हो, मतलब एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन बैठा है. तो देखो एक एक्सट्रीम एंड पे तो कौन बैठा था, W बैठा था, और एक एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, T बैठा है. तो W और T, ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाए. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. यस, एस के का आंसर डी, आहना का आंसर डी, सुदीप चक्रवर्ती का भी आंसर आ चुका है डी. तो डी जो होगा आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन. फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर सिटिंग पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप व्हिच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. कौन सा ग्रुप से संबंध नहीं दर्शाएगा यहाँ पे. बी टी वाई डब्ल्यू यू एक्स वाई यू एक्स टी. बी टी वाई डब्ल्यू यू एक्स वाई यू एन एक्स टी. कौन सा ऑड वन आउट हो जाएगा यहाँ पे. चलिए खुशबू का आंसर आ चुका है ई, स्वाति का आंसर ई, संजय कुमार का आंसर ई, सुदीप का भी आंसर ई आया. ओके चलो चेक कर लेते हैं एक बार, मैं बना देता हूं अरेंजमेंट. तो सबसे पहले तो वाई और इधर टी आ गया, इधर एक्स था, इधर डब्ल्यू आ गया, इधर यू था, और इधर कौन आ गया था, वी आ गया था. बी टी, बी टी ये तो साथ में, वाई डब्ल्यू ये भी साथ में, यू एक्स ये भी साथ में, YU भी साथ में, और X और T के बीच में एक बंदा बैठा है. तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया. हाँ जी ओके लेट्स दिस वन. चलिए बनाइए इसको, बनाइए. सेवन फ्रेंड पी क्यू आर एस टी यू एंड बी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ नॉट इन सेम ऑर्डर. टी सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ वी, नीदर टी नॉर वी सिट एट द एक्सट्रीम एंड. पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, आर सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ यू, आर डज नॉट सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. चलिए इसका आंसर करेंगे. अभिषेक बी आंसर नहीं आएगा बेटा, ई आंसर आएगा पिछले प्रश्न का. चलिए बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे. चलिए हिमांशु का हो गया है, अभिषेक का भी हो गया है, हिमांशु का हो गया है, अभिषेक का भी हो गया है, लक्सी और बाकी किसका, आहना का भी बन चुका है, आहना का भी बन चुका है. सात लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू एन बी सभी कहाँ बैठे हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं. चलिए देखते हैं. साथ के साथ लोग कहां बैठे हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं. ठीक है, सात लोग कहां बैठे हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं. अब देखिए क्या बोला गया है, टी वी के बाएं चौथे स्थान पर है, ना तो टी और ना ही वी रेखा के किसी अंतिम छोर पर बैठे हैं. नीदर टी नॉर वी आर सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. तो देखो अब साथ में क्या बोला गया है, टी वी के बाएं चौथे स्थान पर. तो वी को अगर मैंने यहां रखा, वी को यहां रखा, वन टू थ्री फोर, यहां पे कौन आ गया, टी आ गया. बिकॉज कंडीशन क्या दिया है, ना तो टी और ना ही वी एक्सट्रीम एंड पे बैठेंगे, तो टी और वी इधर तो बैठ ही नहीं सकते. अब साथ में आपको क्या कंडीशन दी है, कंडीशन क्या दी है, पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पी जो है एस के दाएं तीसरे स्थान पर, आर यू के बाएं चौथे स्थान पर है, आर रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, लेकिन आर जो है किधर है, यू के बाएं चौथे स्थान पर है. तो यू को अगर मैंने यहां रख लिया, यू को यहां रखा, पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां पे कौन बैठ गया, आर आके बैठ गया. क्योंकि अगर मैं U को यहाँ रखता तो R यहाँ पे आके बैठता, लेकिन R किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो ये भी एक केस बन गया हमारे पास में. ठीक है, अब देखिए P S के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो S को इधर रख लिया, यहाँ कौन आ गया, P आ गया.
जो पी है वो एस के दाएं किधर है, तीसरे स्थान पर, और सबसे लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, तो यहाँ पे बच कौन गया, क्यू बन गया, क्यू। तो ये कितने लोगों का अरेंजमेंट बन चुका है, हाँ जी सेम अरेंजमेंट बना सभी का, सुदीप का हो चुका है, प्राची का हो चुका है, वेरी गुड, मेरा सही बना, ओके, आना का सही है, हिमांशु, सुदीप, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ जी। बाकी सभी लोग, बाकी 12 बच्चे और हैं क्लास में, इनका नहीं बन रहा क्या, कशिश, खुशबू, अभिषेक का बन चुका है, डन, ठीक है। प्राची आपका हो गया था, प्राची, यस दिस वन, चलिए इसका आंसर करेंगे। Four of the following five are alike in a certain way based on their sitting position in the above arrangement and so form a group which is the one that does not belong to the group. निम्न में से कौन सा ऐसा है? अच्छा बन गया है, ओके सेम है, ठीक है ठीक है, मैंने देखा नहीं, शायद कमेंट नहीं पढ़ा आपका, यस हाँ पढ़ लिया, ओके ओके। चलिए हिमांशु का आंसर आ चुका है, हिमांशु का आंसर आ चुका है हमारे पास में, एस टी, रेस्ट ऑफ यू, सुदीप का भी आंसर ही आ चुका है, अभिषेक का भी आंसर ही आ चुका है, चलिए नीलिमा शुक्ला का भी आंसर ही आया, तो ई आप सभी का क्या है, करेक्ट आंसर, ओके ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस। टी के संबंध में क्यू की स्थिति क्या है, व्हाट इज क्यूज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टी, व्हाट इज क्यूज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टी, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, नन ऑफ दीज। हिमांशु का आंसर आ चुका है बी, स्वाति का आंसर डी, अभिषेक का आंसर डी, खुशबू का आंसर बी, नीलिमा का आंसर डी, ये दो आंसर कैसे आ रहे हैं, बी और डी, या तो तुम बी वाले गलत हो या डी वाले गलत हैं, दोनों में से पर डी वाले सही होंगे, अगर ज्यादा आंसर डी आ रहा है तो डी एक बार चेक करते, एक बार चेक करने तो लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था हमारा, एक सेकंड पढ़ने दो, एक बार, टीवी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा, टीवी के बाएं चौथे स्थान पर, वी के बाएं चौथे स्थान पर टी बैठा था, यू के 1 2 3 4 इधर कौन बैठा था, एस, नहीं एस नहीं बैठा था, इधर कौन बैठा था, एक सेकंड, ई एस के दाएं तीसरे स्थान पर, आर यू के बाएं, आर जो है यू के बाएं, आर 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 आर, एस के इधर कौन आके बैठ गया था, इधर आके बैठ गया था, एक मिनट, पी और बच कौन गया था, क्यू, पी और क्यू, ये आपका अरेंजमेंट था, हाँ जी। टी के संबंध में क्यू की स्थिति क्या है, टी के संबंध में क्यू की स्थिति, थर्ड टू द राइट है ना, थर्ड टू द राइट, तो डी आंसर आ जाएगा, खामे खा परेशान करते, आना बेटा थर्ड टू द लेफ्ट कैसे, थर्ड लेफ्ट नहीं है, थर्ड टू द राइट है, आपसे पूछा है टी के संबंध में क्यू की स्थिति क्या है, कि जो टी है वो क्यू के किधर बैठा है, तो दाएं दाएं छोर पर तीसरे स्थान पर बैठा है ना, थर्ड टू द राइट, डी होगा, डी विल बी अवर करेक्ट आंसर, यस। नेक्स्ट वन, हु सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, क्यू बैठा है मिडिल ऑफ द रो, कौन बैठा है, क्यू, क्यू ही आएगा ना, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने गलत कर दिया, पी बैठा है, ओके ओके मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ पी बैठा है, पी बैठा है, पी 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 पी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, पी, पी बैठा है, ओके ओके, सुदीप का आंसर बी, पी आएगा ना, हाँ वही तो, तुम लोग मेरे को भी डरा देते कई बार, हाँ जी। अंतिम छोर पर कौन कौन बैठे हैं, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो अंतिम छोर पर बैठे हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प उन मित्रों को प्रदर्शित करता है जो रेखा के अंतिम छोर पर बैठे हों, यस, एस एन यू, एस एन यू, यस एस एन यू, नन ऑफ, चलो लास्ट क्वेश्चन इस तरह, यदि सभी सात मित्रों को वर्णमाला क्रमानुसार बाएं से दाएं बैठाया जाए तो निम्न में से कितने लोगों की स्थिति अपवर्तित रहेगी, If all the seven friends are made to sit in alphabetical order from left to right, the position of how many will remain unchanged? तो कितने लोगों की स्थिति अपवर्तित रहेगी? चलो इसका आंसर करो फटाफट से। चलिए हिमांशु का आंसर आ चुका है वन, हिमांशु का आंसर आ चुका है वन, संजय का आंसर आ चुका है वन, ओके अभिषेक का भी वन, सुदीप का भी वन, Thank you.
नीलिमा शुक्ला का भी बना चुका, ठीक है, वन आंसर सबका बना रहा है तो वन ही हो जाएगा। चलो तो इसको बनाओ अभी। चलिए, किसका बन चुका है यहाँ पे? हिमांशु का बन चुका है, बाकी सभी हिमांशु का बन चुका है, अभिषेक का भी हो गया, वेरी गुड। सुदीप का भी हो चुका है, वेरी गुड। आहाना का भी बन चुका है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। खुशबू का भी हो गया, वेरी गुड। अभी देखिए, चलिए करते हैं, और किसका हो गया है? कशिश का भी हो गया, वेरी गुड। नाउ लुक, कितने लोग हैं हमारे पास में? सात लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सभी लोग कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और एन डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, अभी हमें नहीं पता। एल और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओके। आई और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, आई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन कैसी है हमारे पास में? इनडायरेक्ट है। चलो दिमाग लगाते हैं, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के और एन जो है डी के थर्ड टू द राइट बैठा, सेकंड टू द राइट बैठा है। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, डी किधर बैठा? के के थर्ड टू द राइट। अगर मैंने के को यहाँ रखा, 1 2 3, यहाँ पे कौन आके बैठ गया? डी बैठ गया। और एन जो है इसके सेकंड टू द राइट बैठा है, तो एन कहाँ आ गया? डी के सेकंड टू द राइट आ गया, ठीक है। अब देखिए, एल और एफ क्या है? इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के, और एल जो है के का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे एफ बैठ जाएगा और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? एल बैठ जाएगा। आई और सी के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है? एक बैठा है, लेकिन आई जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी जो इधर बैठ जाएगा, आई इधर बैठ जाएगा। ये हार्डली 5 सेकंड का क्वेश्चन था, हो गया, यही बना आप सभी का? हाँ जी, यही बन गया सभी का, ठीक है, करेक्ट है एकदम, एकदम बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो आंसर करते हैं, के एल एफ डी, के एफ एल डी सी एन, के एफ एल डी सी एन। चलो करो आंसर, करो फर्स्ट का, करेक्ट है, वेरी गुड। उपरोक्त व्यवस्था में बैठक व्यवस्था के आधार पर 5 में से 4 समान हैं तथा एक समूह बनाते हैं, निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं होगा? डी 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 डी। अब देखिए, डी एन, डी एन का है, डी और एन के बीच में एक पर्सन है, के एल, के और एल के बीच में भी एक व्यक्ति बैठा है, एफ और डी इनके बीच में भी एक है, एल एन, एल एन के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा। सी और आई के बीच में भी एक है, ऑप्शन डी आप सभी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, एफ तथा सी के मध्य में कितने लोग बैठे हैं? हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी? एफ और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो एफ और सी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे? दो लोग, वेरी गुड। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, अगर दो लोग बैठे हैं तो, ठीक है, सी विल बी अवर करेक्ट आंसर, एल एंड डी, ओके। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा युग्म रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है? अंतिम छोर पर कौन कौन बैठे हैं? आई और के बैठे होंगे, अगर यहाँ पे आंसर मार के, तो आई और के, ऑप्शन बी आ रहा है क्या? सेकंड आ रहा है, सेकंड ऑप्शन बी आ रहा है, क्या आ रहा है?
बाय मिस्टेक हुआ है प्राची, बी बी आंसर आ जाएगा। प्राची अनम्यूट करना है बेटा, बाय मिस्टेक हो रहा है, कमेंट करके बताओ एक बार। ओके यस। अरे क्या आंसर मार्क हुए पड़े इन सबके, बाय मिस्टेक। ओके, एल एन की, एल के संबंध में के की स्थिति क्या है, एल के संबंध में के की स्थिति क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रेस्पेक्ट टू एल, के का पोजीशन एल के रेस्पेक्ट में। ए आ जाएगा सबका, है ना, पहले ही आंसर दिख गया है, वैसे भी यही आएगा, करेक्ट आंसर तो वही था। चलो लास्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द पर्संस आर सीटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज्ड एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सीटिंग पोजीशन। अब देखो इसमें राइट टू लेफ्ट बोला है ना कि लेफ्ट टू राइट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट टू लेफ्ट, तो क्या आंसर होगा, थोड़ा सा पढ़ के आंसर कीजिएगा। ओके, ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके चलो ये वाला एक्सप्लेन कर देते हैं हम, ठीक है। चलो चलो चलो, यहाँ पे ऑर्डर क्या है हमारे पास में, जो ऑर्डर है हमारे पास में वो क्या है। ओके अभिषेक एक बार ऑर्डर लिखना, सीक्वेंस लिखना, वैसे ही जो डायरेक्ट हमारा बना था उसका सीक्वेंस क्या था, अदरवाइज मेरे को देखना पड़ेगा पीछे, कोई एक सीक्वेंस लिखो जो पजल बना था हमारा। KFL DCNI, KFL DCNI ये हमारा क्या था, अरेंजमेंट था। अब देखो आपको क्या बोला है, राइट टू लेफ्ट इनको क्या करना है, हमें राइट टू लेफ्ट क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है राइट टू लेफ्ट। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, डी सी आएगा, फिर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, सी के बाद आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका क्या आएगा, एफ आएगा, फिर एफ के बाद में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर के आ जाएगा, फिर एल आएगा, और उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। पूछा है कितने व्यक्तियों का स्थान अपवर्तित रहेगा, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, तो ए आप सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है कशिश, क्लियर हुआ आपको बेटा, ए क्या है आपका, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक और था, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करो फटाफट से, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो। अब देखो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, दोनों डायरेक्शन, कुछ उत्तर में देख रहे हैं और कुछ दक्षिण में देख रहे हैं, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। यस, पोजीशन चेंज करनी है, डायरेक्शन नहीं करनी थी। यस कशिश,
अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या बोला गया है। सात लोग हैं और सभी कहाँ बैठे हैं कि स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। सेवन पर्सन आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, बट हमें नहीं पता कौन साउथ में देख रहा है और कौन नॉर्थ में देख रहा है। ठीक है, चलिए हिमांशु का आंसर आ चुका है, अभिषेक का हो चुका है, हिमांशु का नहीं हुआ, अभिषेक का हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, डी एफ जी एच आई जे और के एक सीधी रेखा में बैठते हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बोला है, डी एंड ई डू नॉट फेस इन सेम डायरेक्शन। यदि डी नॉर्थ में देख रहा है तो ई किधर देखेगा, साउथ में। यदि ई नॉर्थ में देख रहा है तो डी किधर देखेगा, साउथ में। ठीक है, नीदर के और एफ फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एच, ना तो के और ना ही एफ एच की दिशा में देखते हैं। के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, के किधर बैठा है, ई के सेकंड टू द लेफ्ट। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, डी जो है आई के सेकंड में लेफ्ट में बैठा है। जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी हु फेसेस नॉर्थ, जे किधर बैठा है, जी के सेकंड टू द राइट जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है। के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड एच। आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, आई जो है किधर बैठा है, एच के सेकंड टू द लेफ्ट बैठा है। अब देखिए इसको बनाते हैं, सबसे पहले नॉर्थ वाला कोई पकड़ लेते हैं, कौन सा पकड़े, जी को पकड़ लेते हैं। जी किधर देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। एक मिनट में यहां से स्टार्ट करूं, एक दो तीन चार पांच छह और ये आपका क्या हो गया, सात। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जी जो है कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। जी कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, तो मैंने जी को यहाँ बिठाया। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यही थी मेरे पास में, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जे किधर बैठा है, जी के सेकंड टू द राइट, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। अब देखिए उसके बाद हु फेसेस नॉर्थ, अब जे से जुड़ी हुई कोई, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। अब देखो के जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे बैठा है, इसका मतलब अगर ये नॉर्थ में तो देख नहीं सकता, इसका मतलब ये कहाँ देख रहा है, साउथ में। तो ये तो इसका राइट है और ये लेफ्ट है, तो यहाँ पे कौन आके बैठ जाएगा, के आके बैठ जाएगा। यहाँ कौन आके बैठ गया, के बैठ गया। अब देखो के जो है एफ और एच का इमीडिएट नेबर है, के किस किस का इमीडिएट नेबर है, एफ और एच का। आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। तो यहाँ पे यदि मैंने एच को बिठाया, यहाँ पे एफ को बिठा लिया, यही तो है ना कि के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड एच। यदि यहाँ पे एच को बिठाया और यहाँ पे एफ को बिठा लिया, अब देखो ये वाला पॉइंट पॉसिबल है, आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, आई जो है किधर बैठा है, एच के सेकंड टू द लेफ्ट। तो अगर एच नॉर्थ में फेस करेगा तो यहाँ पे कौन आके बैठ जाएगा, आई बैठ जाएगा। एच यदि नॉर्थ में फेस करेगा तो यहाँ कौन आके बैठ जाएगा, आई आके बैठ जाएगा। और अभी ऊपर चलते हैं, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, के किधर बैठा है, ई के सेकंड टू द लेफ्ट। तो ई को मैंने यहाँ बिठा दिया, तो यहाँ पे कौन बैठ गया, इधर आके कौन बैठ गया, के बैठ गया। अब देखिए इनको डी और ई सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे, एक सेकंड, डी कहाँ गया, डी को मैंने कुछ गलत किया है, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, 1 2 3 4 5 6 मैंने दो तो कोई नहीं लिया, यहाँ पे आठ लोग हैं। ओके, डी जो है आई के सेकंड टू द लेफ्ट है, तो इधर कौन आके बैठ जाएगा, डी आके बैठ जाएगा। भाई आई के सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठ रहा है, डी बैठ रहा है, तो यहाँ पे आके डी बैठ जाएगा। इस साइड में कौन आके बैठ जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ आठ है, मैं सात ले गया था। अब देखिए डी और ई की डायरेक्शन एक जैसी नहीं है, अगर ई नॉर्थ में देख रहा है तो डी कहाँ देखेगा, साउथ में देखेगा। ई कहाँ देखेगा, साउथ में देखेगा। ठीक है, डी साउथ में, अगर ई नॉर्थ में तो डी साउथ में देखेगा। उसके बाद में के और एफ की जो डायरेक्शन है वो एच की डायरेक्शन नहीं है, एच नॉर्थ में देख रहा है तो के और एफ किधर देखेंगे, साउथ में देखेंगे। ये हमारा पूरा अरेंजमेंट बन चुका है, एकदम सही बना है। ठीक है, सभी का यही बना, यस और नो, सभी का यही बना, अभिषेक का रॉन्ग हो गया। ओके, और बाकी किसका ये बना है, यस नीलिमा शुक्ला का यही बना है। खुशबू बोल रहे हैं सर फिर से समझाइए जी, आहाना का भी गलत है, आहाना का भी गलत हो चुका है, अगेन बताना है। चलो फिर से समझो। देखो क्या हुआ, आठ लोग बैठे हैं हमारे पास, आठ लोग बैठ गए, अभी डायरेक्शन तो हमें पता ही नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या पकड़ी, देखो यहाँ क्या बोला गया, जी किधर देख रहा है, उत्तर दिशा में देख रहा है, जी इज फेसिंग नॉर्थ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था सेकंड प्लेस पे जी को,
सेकंड प्लेस पे मैंने किसको ले लिया था, जी को, कि जी किधर देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, जी किधर देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, और जी के सेकंड टू द राइट कौन बैठा है, जे बैठा है, जे इसके सेकंड टू द राइट, तो इसका राइट ये होगा पहला, दूसरा यहाँ पे आके कौन बैठ गया, जे बैठ गया, यहाँ कौन आके बैठ गया, जे बैठ गया। अब देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे जे जी के दाएं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोला गया, यस के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जो के है वो किधर बैठा है, जे के सेकंड टू द लेफ्ट। अब एक बात बताओ, यदि इसको नॉर्थ में फेस कराता तो यहाँ तो ऑलरेडी जी बैठा है, तो इसका लेफ्ट ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसका मतलब ये तो गलत था हमारा। तो जे किधर देख रहा था, साउथ में देख रहा था, जे साउथ में फेस कर रहा है, अगर जे साउथ में फेस करेगा तो यहाँ पे कौन आके बैठ जाएगा, के आके बैठ जाएगा। अब अगली लाइन पढ़िए, के किस किस का इमीडिएट नेबर है, एफ और एच का, के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड एच, के एफ और एच का इमीडिएट नेबर है। अब देखिए एफ और एच, लेकिन अगली लाइन पढ़िए, आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, आई जो है एच के सेकंड टू द लेफ्ट है, अगर मैं यहाँ पे एच को बिठा देता तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता, इसलिए एच यहाँ ना बैठ के कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठेगा, एच यहाँ ना बैठ के कहाँ बैठेगा, इधर बैठ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, एफ आ जाएगा, ठीक है। अब एच के सेकंड टू द लेफ्ट कौन आ गया, आई आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, आई। अब देखिए यहाँ पे ऊपर एक लाइन लिख के दी गई है आप सभी को, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, डी किधर बैठ रहा है, आई के सेकंड टू द लेफ्ट। अभिषेक जी तो ऑब्वियसली मानना ही पड़ेगा ना बेटा, अज्यूम क्यों करा है, मैंने अज्यूम नहीं करा, देखो ये लिख के दिया गया है, यहाँ पे देखो अच्छे से पढ़ा करो तुम क्वेश्चन को, जी जो है, जे जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो जो किसके लिए यूज करते हैं, सेकंड वाले के लिए, उत्तर की ओर देख रहा है, यहाँ पे भी देखो जी हु फेसेस नॉर्थ, मैंने अज्यूम नहीं करा है, क्वेश्चन में लिख के दिया गया है, जी कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अभी देखिए इतना हो गया, अब डी किधर आएगा, आई के लेफ्ट में आ गया, डी किधर आ गया, आई के लेफ्ट में, तो आई के सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठा है, डी बैठा है, और यहाँ पे कौन बैठ गया, अभी देखिए एक और लाइन पॉइंट बचा था आपके, ई के सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठा है, के बैठा है, तो ई के सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठ गया, के बैठ गया। अब देखिए डी और ई की डायरेक्शन सेम नहीं थी, अगर ई नॉर्थ में देख रहा है तो डी किधर देखेगा, साउथ में, और एक और पॉइंट दिया गया था, के और एफ जो है एच की डायरेक्शन में नहीं देख रहे, एच नॉर्थ में देख रहा था, के और एफ किधर देखेंगे, साउथ में, ये हमारा पूरा पॉइंट बनेगा। हाँ जी, अभी समझ में आया या नहीं आया, यस और नो, यस और नो, ठीक है, चलिए चलिए, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, आज इतने क्वेश्चन करें। एक मिनट, कौन शिकायत कर रहा है भाई, अच्छा स्मृद जी बोल रहे हैं, स्मृद बेटा आज मिल जाएंगे आपको, आज रात में मिल जाएंगे, आज रात में मिल जाएंगे, ठीक है। अरे भैया इतना 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 नाराज मत हो, आज मिल जाएंगे, थोड़ा सा मुझे भी समझो। यस हिमांशु, अनम्यूट करो अपने आपको, वेट वेट वेट, लेट मी अनम्यूट यू, यस अनम्यूट करो हिमांशु अपने आपको, यस हिमांशु, बाय मिस्टेक था, नहीं नहीं सर, वो प्रैक्टिस के लिए कह रहा था कि ये भी समझ में आया कि नहीं आया, उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन दे देते, अच्छा ये वाला समझ में नहीं आया आप लोगों को, चेक करने के लिए सर कि क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा ओके ओके ओके, अरे ये करेक्ट अरेंजमेंट, वेट वेट, यस दिस वन, लो जे तथा के ठीक मध्य में कौन बैठा है, लास्ट वाला क्वेश्चन हिलाने वाला था, अच्छा बेटा इसीलिए तो एसएससी में इजी इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन क्या है थोड़े से, ये तो इतना टफ भी नहीं था, बैंक में आ जाते हैं यहाँ पे। चलिए तो जे और के ठीक मध्य में कौन बैठा है आपका, देख लो यहाँ पे मिल रहा है, जे और के ठीक मध्य में कौन बैठा है, एच बैठा है, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है बी आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला एक और कर लो, चलो एक और कर लो, इससे अलग थोड़ा सा लीक से हटके, हाउ मेनी पर्सन इन द गिवन अरेंजमेंट फेस साउथ, कितने लोग जो हैं, ठीक है ठीक है, बस अभिषेक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बस, अरे स्मृति जी पक्का मिल जाएंगे आज आपको, रात में मिल जाएंगे, आप बस एक मैसेज छोड़ दीजिए हेलो, ठीक है आपको आज पक्का मिल जाएंगे। चलिए चार, तो यहाँ पे आंसर आ गया फोर, ठीक है। तो चलिए आज का जितना पढ़ाया समझ में आया सभी को, हाँ जी करेक्ट आ रहे हैं ना, ठीक है चलिए, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग।